हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने सिक्स पॉइंट कवर करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिक्स पॉइंट कवर करने हैं। इंट्रोडक्शन, फंक्शन एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, डायग्राम कवरिंग ऑफ टेस्टिस, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस, पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म। इंट्रोडक्शन हमने थ्योरी देख लिया था पिछले वीडियो में। फंक्शन एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, फंक्शन एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस भी देख लिए थे हमने। ये फंक्शन एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस पूरा थ्योरिकल पोर्शन है। और हमने डायग्राम भी देख लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम भी हमने कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस की पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। आज देखेंगे हम कवरिंग ऑफ टेस्टिस, इस वीडियो में कवरिंग ऑफ टेस्टिस। फोर्थ पॉइंट, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। फोर्थ पॉइंट, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस, फोर्थ पॉइंट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, इसका डायग्राम भी देखेंगे हम, अभी थ्योरी देखेंगे। कवरिंग ऑफ टेस्टिस में इस टेस्टिस इंक्लूड ऑफ थ्री कवरिंग, तीन लेयर होती हैं जिससे टेस्टिस कवर होता है। टेस्टिस इज कवरिंग, तीन लेयर से टेस्टिस कवर होता है। इस टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं ना, पेयर होते हैं। इच इंक्लूज्ड बाय थ्री लेयर, बाय थ्री ले कवरिंग। बाय थ्री कवरिंग्स, फर्स्ट है टूनिका, टूनिका वेश, टेनुका वास्कुलोसा, वास्कुलोसा, टूनिका वास्कुलोसा। इसकी थ्योरी देखें अगर टूनिका वास्कुलोसा की, तो ये कहाँ होती प्रेजेंट? इनर मोस्ट कवरिंग होती है, मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनर मोस्ट बाहरी, सबसे बाहरी परत होती है। इनर मोस्ट कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग्स होती है। और बनी कैसे होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये टूनिका वास्कुलोसा है, सबसे बाहरी परत होती है। सेकेंड होती है टूनिका एल्बुजुनिया, टूनिका एल्बुजुनिया, टूनिका एल्बुजुनिया। ये मिडिल कवरिंग होती है, बीच की कवरिंग होती है। इसको डायग्राम में आप देखेंगे, इन तीनों लेयर को डायग्राम में आप देखेंगे। अभी केवल थ्योरिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं। मिडिल कवरिंग, थर्ड है टूनिका वेजाइनलिस, टूनिका वेजाइनलिस, टूनिका वेजाइनलिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये इनर सबसे अंदर होती है, टूनिका वास्कुलोसा सबसे अंदर होती है,
और टूनिका वेजाइनलीज सबसे बाहरी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग्स। सेकेंड पॉइंट होता है इसका इंटीरियर इंटीरियर एंड लेटरल सरफेस। इंटीरियर और लेटरल सरफेस आप टेस्टिस आर कवर्ड। जो टेस्टिस का इंटीरियर और लेटरल पार्ट है, लेटरल सरफेस है, वो टेस्टिस टेस्टिस की लेटरल और इंटीरियर सरफेस जो है वो कवर कैसे होती है, कवर्ड बाय ऑल थ्री लेयर्स, तीनों लेयर से कवर होती है इंटीरियर और लेटरल सरफेस टेस्टिस की लेयर्स। पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है टेस्टिस की, पोस्टीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय टूनिका वेजाइनलिस। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है टेस्टिस की वो केवल टूनिका वेजाइनलिस से कवर होती है, बाकी इंटीरियर और लेटरल जो सरफेस है वो तीनों से कवर होती है, तीनों लेयर से कवर होती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं, इन तीनों लेयर को हम डायग्राम में देखते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है, सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है जिसको बोलते हैं टूनिका वेस्काइलूसा। नहीं, इनर मोस्ट है मतलब टूनिका वेजाइनलिस। टूनिका वास्कुलोसा, इनर मोस्ट है टूनिका वास्कुलोसा, उसके बाद मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है टूनिका अल्बुजुनिया, और ये है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, टूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन, ये है सबसे इनर मोस्ट टूनिका टूनिका वास्कुलोसा, और सबसे मिडिल लेयर मिडिल मिडिल एल्बुजुनिया। सबसे आउटर सरफेस कौन सी है, टूनिका टूनिका वेजाइनलिस। ये तीनों लेयर के नाम हो गए। ठीक है, ये सबसे इनर लेयर, ये सबसे इनर लेयर, ये मिडिल लेयर, इनर मिडिल लेयर, और ये आउटर लेयर। ठीक है, ये जो जा रही है ये सेमिनर वेसिकुलर सेमिनोफ्यूरियर ट्यूब्यूल्स है, सेमिनोफ्यूरियर ट्यूब्यूल्स। इस पे सर्टोली सेल वगैरह होती हैं, इस पे ही ये ऐसे सर्टोली सेल होती हैं, यहीं पे स्पर्म का प्रोटेक्शन होता है, स्पर्म बनता है इस पे, और ये है रेटिटेस्टिस। ये है टेस्टिस की कवरिंग का डायग्राम।
ये है रेटी टेस्टिस। प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ये अभी हमने 3 पॉइंट क्लियर, 4 पॉइंट क्लियर कर लिए। अब देखेंगे हम पेरेन्काइमा टेस्टिस, उसके बाद देखेंगे और फिर स्पर्म का पासेज पाथवे देखेंगे। स्पर्म कहाँ से ट्रेवल, किस कहाँ कहाँ से होकर ट्रेवल करता है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब।